हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है? दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है? घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन। कितना दे रखा है? 64 घन सेंटीमीटर, यह हमको दे रखा है। और घन का आयतन कितना होता है? भुजा की घात 3। और इधर 64 है, इसे भी हम क्या करें, इसका क्यूब में ही इसको चेंज कर लें, तो यह बन जाएगा 4 की घात 3, और यह क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां से तुलना करने पर हमें मिल जाएगा भुजा बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा आ गई वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब कहा गया है इन तरह के दो घनों को मिलाकर के रखा गया, सटा करके रखा गया। किस तरह से? तो ये इस तरह से दो घन आपस में जोड़ करके रखे गए हैं, जिसमें पहले घन की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा घन भी, जिसकी लंबाई चौड़ाई इसी के समान है, तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी इतनी रहेगी और ऊंचाई भी इतनी रहेगी। तो ऐसे दो घनों को सटा करके रख दिया गया है। तब इससे जो प्राप्त घन है, सॉरी घनाभ है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? प्राप्त घनाभ की लंबाई, इसे L से डिनोट करते हैं, कितनी हो जाएगी? 4 ये और 4 ये टोटल दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसकी हाइट यानी ऊंचाई भी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LV प्लस का VH प्लस का HL कितना होगा? 2। L कितना है? 8 गुणा B कितना है? 4 प्लस B है 4, H भी 4 है, प्लस का H 4 है, L कितना है? 8 है। अब ये सारी वैल्यू रखने पर इसे कर लेते हैं सॉल्व। 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 है प्लस 8 चौके 32, तो 2, ये कितना हो जाएगा? 2 6 8 2 10, 3 1 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, तो ये मिल गया कितना? 80। तो ये वैल्यू आ गई 2 गुणा 80, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 160।
क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मात्रक, तो ये सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और हमसे यही पूछा गया था और यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले के आकार का है कुछ इस टाइप का। अब कहा है इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, एक खोखला बेलन में कहा गया है अर्धगोले के आकार का है, तो यह अर्धगोला रहा और इसके ऊपर एक खोखला बेलन, ये इस तरह का कोई बेलन है वो अध्यारोपित है, इसी के ऊपर रखा हुआ है और कहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका व्यास होगा यहां से यहां तक, टोटल हमको दे रखा है कितना, यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी कितनी 7 सेंटीमीटर। अब और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक टोटल उसकी तली तक कितनी ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें व्यास दे रखा है, व्यास डी, इसे डायामीटर बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या, इसे रेडियस कहते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है व्यास बटा 2, तो डी दे रखा है हमें 14/2, 2 से इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, कितना मिल जाएगा 7, तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है कितनी 13 सेंटीमीटर, तो यहां से ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या के बराबर है। तब टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, तो यहां से ये ऊंचाई कितनी रहेगी, यहां से यहां तक ये बेलन की ऊंचाई, ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 7, 6, 13 सेंटीमीटर। तो इसे तब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मान लिया ये H है, कितनी हो जाएगी संपूर्ण ऊंचाई में से, संपूर्ण ऊंचाई में से क्या करें, इस जो बर्तन है अर्धगोला उसकी त्रिज्या को माइनस कर दें, तो क्या करेंगे त्रिज्या, सीधे सीधे त्रिज्या लिख दे रहे हैं, त्रिज्या, तो संपूर्ण ऊंचाई है 13 है और त्रिज्या है 7, तो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ये आ गया एच। अब हमसे पूछा गया है इस पूरे बर्तन का हमें आंतरिक प्रश्न, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना है, ये जो बेलनाकार है भाग है इसका, ये राउंडेड वाला मींस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस वाले में भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा, क्योंकि ये ऐसा है, इसका ऊपरी तल वो इसमें नहीं जोड़ा जाना है। तब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है उसका गोले का, 4πr2। तो आधे का कितना हो जाएगा, 2πr2। तो ये मिल गया 2πr2 प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh। तो 2πrh, तो यहां से 2πr, ये तो कॉमन है, यहां से क्या बचा r और यहां से बचा h। सॉल्व कर लेंगे क्या मिल जाएगा, 2π का मान 22/7 r, r कितना है वो हमें दे रखा है 7, ये 7 प्लस h की वैल्यू हमने निकाली थी 6 सेंटीमीटर। तो क्या मिल जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22 × 44 गुणा ये 7 और 6 13 है, 13 से इसकी मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, 13 × 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 × 52 और 5 57। तो ये आ गया 572, और चूंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा था तो वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो एक घनाकार ब्लॉक है, बना लेते हैं इसको, ये इस तरह का एक घन के आकार का ब्लॉक है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, कहां पर, इसके ऊपरी फलक पर। तो किस तरह से रखा हुआ है, इसमें दे नहीं रखा है फिलहाल, नेक्स्ट आगे दे रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो इसका इस तरह से रखा हुआ होगा, यहां से ये इस तरह से एक अर्धगोला रखा हुआ है, और कहा गया है इस जो ब्लॉक है इसकी भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। तब पूछा है कि इस घनाकार ब्लॉक का अधिकतम, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास इतना ही होगा, अगर ये तिरछा तिरछा रखा जाएगा, मींस अगर इससे बाहर ये निकल रहा है, तब ये घन के विकर्ण के बराबर इसका व्यास हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तब इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितनी इसकी भुजा है। तब घन की भुजा हमें दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, तब अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना रहेगा, इसी के बराबर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास कितना रहेगा, यही त्रिज्या के बराबर, 7 सेंटीमीटर आंसर। एक तो चीज इसने ये पूछी थी। नेक्स्ट आगे फिर से पूछा है, अगेन क्या कहा है, आगे दोबारा से पूछा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका इसका हो गया, और प्लस हमें क्या करना है, इस अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दोनों हमने जोड़ दिए, लेकिन अगर ये बुक है इसके ऊपर मैं इसको रख रहा हूं तो इसके ऊपर ये जो इसका हिस्सा रहेगा ये क्या करेगा, इसको ढकेगा। ठीक इसी तरह से ये जब अर्धगोला इस ब्लॉक के ऊपर रखा गया है तो ये क्या करेगा, कुछ क्षेत्रफल इसका कवर करेगा, तो उतना हिस्सा कैसा रहेगा, वो कम हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तब इसे माइनस कर लेते हैं, कितना हिस्सा, इस अर्धगोले का जो आधार है, तो अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अब सॉल्व करते हैं इसे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह कितना होता है, 6 गुणा भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा होता है, उसका वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये 6, भुजा कितनी दे रखी है, 7 का वर्ग है, वर्ग कर दिया प्लस, अब इन दोनों में आर सेम है, तब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा यहां से, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे 6 × 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास है 7 सेंटीमीटर, तब यहां से ही ज्ञात कर लेते हैं, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, इसकी ठीक आधी, तो यहां पर कितना रख देंगे, 7/2, क्योंकि वर्ग है तो दो बार लिख देते हैं, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल, कितना मिल जाएगा, ये 6 × 54 का 4 हाथ से लगे 5, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 29, 294 प्लस ये 2/11, तो यह हो गया 11/77/2, इससे भाग दे लेते हैं, 294 प्लस 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 बचा है ये हो गया 17, तो 2 × 8 = 16, 1 बचा है पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे तो 2 × 5 = 10, ऐड करेंगे तो 0.5, ऐसा का ऐसा ही, 8 × 4 = 12 है हासिल का 1, 9 × 3 = 12 है और 1 = 13 है हासिल का 1, और 2 + 1 हासिल का 3, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है, तो एक घनाकार ब्लॉक है, बना लेते हैं, तो इसमें ये घन हो गया, ये इस तरह का एक घन दे रखा है। अब कह रहे हैं कि इसको काट करके, इसके ऊपरी फलक को काटा गया है, मतलब एक कोई सा भी एक फलक काटा गया है, और उसे अर्धगोलाकार उसमें एक गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, जितना इसका घन की किनार है मींस एक भुजा है उसी के बराबर इसमें उसकी क्या रहनी है, अर्धगोले का व्यास रहना है,
तो अर्धगोले का व्यास इतना ही रहेगा, मींस यहां से अगर काटा गया है तो ये इतना इस तरह का और ये इस तरह का, यहां से इसको ऐसे खोद दिया गया, इतना भाग इसमें से निकाल लिया गया, ये वाला हिस्सा कैसा हुआ है, इसमें से काटा गया है, मींस खोद करके निकाल लिया है। अब शेष बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ठोस बचा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना ये ठोस रह गया है। तो माना इसमें हमें भुजा दे नहीं रखी है, तो मान लिया, माना जो घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक की भुजा, वो मान लिया L है, L या A या X जो भी इच्छा हो, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ के लिए L लिखते हैं, इसलिए हमने इसको L मान लिया है। अब तब जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसी के बराबर दे रखा है हमें, अर्धगोले अर्धगोले का व्यास मीन्स D कितना हो जाएगा L, एवं इसकी जो त्रिज्या होगी R, ये कितनी हो जाएगी, इसकी ठीक आधी D बटा 2, और D दे रखा है L, तो R इसकी आगे कितनी L बटा 2। अब इसका पूरे का हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, इसमें छह फलक हैं, पहले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, घना जो भी घनाभ है उसका, सॉरी घन है, तो घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या किया गया है, इतना हिस्सा खोदा गया है, तो ये एक फलक के आधार का क्षेत्रफल कैसा रहेगा, कम होगा, तो कितना कम हो रहा है, इस अर्धगोले के आधार के बराबर, तो अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल ये हो रहा है कम। साथ ही साथ जब हम इसको खोद रहे हैं तो ये क्षेत्रफल कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, इसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, तो इसे ऐड कर देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 6 गुणा भुजा की घात 2 माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार किस तरह का होता है, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 6 गुणा भुजा की घात 2 माइनस सॉरी प्लस का आएगा क्योंकि ये ज्यादा है, प्लस पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 6, भुजा कितनी है, भुजा है L, तो ये हो गया 6 L स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू हमें चलो रख देते हैं ये 22 बटे 7, R कितना है, R है L बटा 2, या चलिए रहने देते हैं इसे, अभी पाई ऐसा का ऐसा ही
आर की जगह एल बटा दो का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा यहां से 6L² प्लस ये पाई ऐसा कैसा ही, ये मिल जाएगा L² बटे 4। तो यहां से अपॉन में किया 1 तो 4 हो गया LCM, 4 × 1। अब तिरछी गुणा 4 की 6L² से कितना हो जाएगा 24L² प्लस 1 की πL² से तो ये πL² कितना मिलेगा 1/4L² ये दोनों जगह से कॉमन, यहां से मिला 24 और यहां से मिला पाई, तो आंसर आ गया इतना। और ये हमें क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर इसमें कुछ दे नहीं रखा था तो इसे हम लिख देंगे सीधे सीधे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इसका हमें चित्र भी दे रखा है। एक कैप्सूल है इस तरह का बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे बेलनाकार हैं, ऐसे हैं। अब बेलनाकार होने पर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक टोटल लंबाई इसकी कितनी दे रखी है 14 मिलीमीटर। साथ ही साथ इसका व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर, मींस यहां से लेकर के यहां तक इसके बीच की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 5 मिलीमीटर, इतनी दे रखी है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब कैप्सूल का व्यास इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, यह हमें दे रखा है कितना 5 मिलीमीटर। तब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर, आर बराबर होता है व्यास बटा दो, तो व्यास हमको 5 दे रखा है बटा दो, आर बराबर कितना आ गया 5/2 और ये मिलीमीटर। अब इसमें दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं, तब ये किस तरह का रहेगा, एक अर्धगोला ये इस तरफ है, इसी तरह से दूसरा अर्धगोला ये यहां पर लगा हुआ है इस तरह से। तो इसकी त्रिज्या हमने यहां से 5/2 ये निकाल ली है, दोनों तरफ सेम ही रहेगी, तो इनके बीच की दूरी ये भी कितनी हो जाएगी, यहां से जब ये 5/2 है तो ये भी कितना रहेगी 5/2 ही रहेगी, ठीक इसी तरह से ये दूरी भी कितनी रहेगी 5/2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई कितनी रह जाएगी, तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई मींस ये क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई h, तो कितनी हो जाएगी संपूर्ण ऊंचाई, जो संपूर्ण लंबाई है उसमें से क्या करना है माइनस करना है कितनी, इन दोनों अर्धगोलों की त्रिज्याएं, तो 2 × अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा संपूर्ण लंबाई दे रखी है 14 मिलीमीटर माइनस 2 × अर्धगोले की त्रिज्या हमने निकाली है 5/2 मिलीमीटर, तो 2 से 2 कैंसिल, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 9 मिलीमीटर। तो ये h की वैल्यू आ गई, मींस बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई आ गई। अब हमसे पूछा गया है
इस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पूरे कैप्सूल का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस बेलनाकार भाग का? ये क्या है, राउंड में है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या है, दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, प्लस दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उनकी वैल्यू रखते हैं। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh प्लस एक अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना, 2πR2। अब चूंकि ये दो का निकाल रहे हैं तो क्या करें, दो से इसमें गुणा करा दें, तब दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, तो यहां से 2πR ये कॉमन है, यहां से बचा h प्लस, यहां से एक दो बचा है और एक r बचा है, वैल्यू रखेंगे दो, पाई का मान 22/7, r कितना है 5/2, 5/2, h कितना है 9 प्लस 2, r कितना है 5/2, तो यहां से दो कैंसिल, कितना मिल जाएगा ये 22 × 44, सॉरी ऐसे कर लेते हैं 22 × 5 = 110, एक और ये दो से दो कैंसिल, तो 110/7 गुणा इधर 9 × 5 = 14 है, तो ये 7 × 14 है, कितना मिल जाएगा 110 × 220। अब चूंकि ये किसमें दे रखा है, मिलीमीटर में, तो इसका मात्रक क्या रहेगा, वर्ग मिलीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछा है, तो आंसर आ गया 220 वर्ग मिलीमीटर आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।